आईपीएल का ऑक्शन तो हो गया, अब है टी20 आई इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज की बारी। और उसके अंदर रोहित शर्मा कप्तान है भारतीय टीम के, और सामने वाले टीम के कप्तान है निकोलस पूरन, जो लीड करेंगे वेस्ट इंडीज टीम को। और अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज की टीम टी20 में ही तो सिर्फ महानता रखती है जीतने का, भारत को एक टक्कर देने का। ईडन गार्डन का ये खूबसूरत मैदान सजेगा वापस एक टी20 मुकाबले के लिए। लास्ट जो यहाँ पर मुकाबला हुआ था वो था इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का, एक थर्ड टी20 का मुकाबला, और यहीं पर खेला जाएगा शाम के समय। 6:30 का स्टार्ट है, आपका दिन ढल चुका होगा, और मैं भी तो कोलकाता में ही तो मौजूद हूँ, मेरा घर भी तो कोलकाता में। तो आपका कोलकाता ईडन गार्डन में सजेगा मैदान, घुसने नहीं मिलेगा फैंस को एक और बार, और लेकिन आपका वेस्ट इंडीज टीम को देना है ये टी20 आई श्रृंखला में भी नेस्तनाबूद करना है, भेजना है वो लोग के घर। ये क्या हो पाएगा ये बात सच, ये देखने वाला होगा बात। यहाँ पर कप्तान यहाँ पर क्या होना चाहिए प्लेइंग 11, उसमें भी है बहुत सारे सवाल, लेकिन कि शार्दुल ठाकुर को खिलाना चाहिए या दीपक चाहर को, क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा, क्या ईशान किशन से करवा देना चाहिए ओपन क्योंकि केएल राहुल मौजूद नहीं, ऋतुराज को क्या कराना चाहिए ओपन, शिखर धवन नहीं है ये टीम में, वॉशिंगटन सुंदर नहीं है, अक्षर पटेल भी नहीं है, अब कुलदीप यादव को क्या मिल जाएगा मौका वॉशिंगटन सुंदर के जगह में, मिल स्क्वाड में तो है। यहाँ पर जो मुझे जो लगता है उसके हिसाब से है ईशान किशन और रोहित शर्मा कर सकते हैं ओपन, विराट कोहली 3 नंबर पर, सूर्या कुमार नंबर 4, सूर्या ऋषभ पंत वेंकटेश अय्यर, आप पास दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर में से कोई एक को आप खिलाना चाहेंगे, युजवेंद्र चहल और आपके खेल जाएंगे मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल को मिल सकता है मौका, क्योंकि यहाँ पर आपको उतने ज़्यादा स्पिनर का दरकार नहीं, आप एक स्पिनर के साथ जाएंगे, और आपको यहाँ पर आपको गेंदबाजी का विकल्प चाहिएगा, क्योंकि यहाँ शाम के तरफ दोनों ही टीम को ड्यू में करनी पड़ेगी गेंदबाजी, इसकी पूरी आशा पूरी है उम्मीद, तो इस पर ही रहना पड़ेगा कुछ देर में। चल आज ही तो है मुकाबला, और यहीं पर चालू होगा टी20 श्रृंखला, और यहीं ख़त्म होगा तीनों के तीनों टी20 मुकाबले कोलकाता में खेले जाएंगे। और ये वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप देख रहे थे क्रिकेट विद आर्यमन, मैं हूँ आर्यमन कोयंका।